हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 की क्लास 6 के लिए हमारी वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारी वीडियो सीरीज़ में हिंदी सेक्शन के हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हिंदी सेक्शन का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दो वीडियो में पहले से बताया जा चुका है कि हिंदी सेक्शन में कुल 20 क्वेश्चन आते हैं जो 25 मार्क्स के रहते हैं, यानी कुल चार पैराग्राफ रहते हैं और हर पैराग्राफ में पांच प्रश्न रहते हैं। दोस्तों आपको जो पैराग्राफ या गद्यांश दे रखा है उसको कैसे करना है ये जानने के लिए हमारा हिंदी पर ही पहला वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ। क्लास 6 के लिए अनुच्छेद 3 हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम इसके प्रश्न देखेंगे कि क्या प्रश्न है और उनका उत्तर क्या दिया जाना चाहिए। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की, कुछ मिस प्रिंट हो सकता है दोस्तों, अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एक टक देख रही थी। छत पे उसने क्या लगा रखे थे, जो तारे लगते हैं छत पे, वो उसके छत पे तारे लगे हुए थे, उनको क्या देख रही थी, एक टक देख रही थी। एक टक मतलब लगातार उसकी तरफ देखना, एक टक देख रही थी। वह खिन्न थी, खिन्न का मतलब होता है उदास। वह क्या थी, उदास थी। उदास क्यों थी, क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। कोई भी कपड़ा उस पर क्या नहीं लग रहा था, फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक करके दोबारा पहना, किसको, कपड़ों को, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे थे। कपड़े क्या थे, तंग थे, तंग यानी टाइट, छोटे यानी शॉर्ट बोल सकते हो, छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, उसके पास एक अलमारी थी वो पूरी कपड़ों से भरी हुई थी, किंतु वह उसमें से एक भी नहीं पहन सकती थी। क्यों नहीं पहन सकती थी, क्योंकि कपड़े उस पर फिट नहीं थे, या तो वो तंग थे या छोटे थे। तब उसे एक विचार आया। एक विचार क्या आया, वो विचार आपको अभी नहीं पता, वो आगे आएगा। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। चमक, आंखों में चमक आने का मतलब क्या होता है, आंखों में चमक का मतलब होता है आपको कुछ ऐसा सूझ गया कि आपकी जो खुशी है वो आंखों के थ्रू दिख रही है। वह माँ के कमरे की ओर भागी, किसके कमरे की ओर भागी, माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। ये विचार बता रही है वो अपना, ये जो विचार आया वो ये है कि माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूँ। नए कपड़े कब चाहिए, तब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूँ, उसके बाद ही मुझे नए कपड़े चाहिए। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी लड़की क्या कह रही है कि अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पुराने कपड़े मैं दान कर दूंगी, तब आप मुझे नए कपड़े दिला देना। उसकी माँ मुस्कुराई, उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया, और उसे क्या किया, गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। दयालु क्यों थी, क्योंकि वह अपने कपड़े क्या करने चाह रही थी, दान करना चाह रही थी, इसलिए वो लड़की क्या थी, दयालु थी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। ऐसा इस पूरे पैराग्राफ में थक गई थी कहीं नहीं आ रहा। तारे देखना पसंद करती थी, तारे देख जरूर रही थी, ये तारे क्या देख रही थी, जो छत पे तारे लगे हुए थे उनको एकटक देख रही थी। परंतु एकटक देखने का मतलब ये नहीं था, इसका कारण ये नहीं था कि वो तारे देखना पसंद कर रही थी। कारण क्या था, वह खिन्न थी, क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। तो वह क्या कर रही थी, वह सोच रही थी कि क्या पहनना जाए। तो इसका आंसर आ रहा था, आएगा आपका, सोच रही थी कि क्या पहनना जाए। लड़की आलसी थी, ये नहीं आएगा बिल्कुल। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी, क्योंकि, क्यों नहीं पहन सकी, वे फैशन के अनुसार नहीं थे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वे रंगीन नहीं थे, ये भी कहीं नहीं आया। उसे पता नहीं था क्या पहनना है, ये ऐसी भी बात नहीं है। कपड़े उसे फिट नहीं बैठे, ये सेकंड लाइन में कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था, तो इसका कारण डी है। अब अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है कि संग्रह का समानार्थक शब्द क्या है। संग्रह करना, संग्रह क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। संग्रह क्या होता है, इकट्ठा। बांटना इसका समानार्थक नहीं है, उपहार देना नहीं है, साझा करना यानी एक टाइप से किसी के साथ बांटना वही होता है, साझा करना। तो इसका होगा संग्रह यानी इकट्ठे करना। इस पैराग्राफ में आया था कि इसे और अधिक कपड़े
संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, यानी और अधिक कपड़े इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला सवाल है वो हेमा है, हेमा है और पहला है लालची। हेमा लालची नहीं है क्योंकि वो कपड़े दान देना चाहती है। हेमा क्या है? दानी। बिल्कुल हेमा क्या है? दानी है क्योंकि वो अपने कपड़े दान देना चाहती है। हेमा स्वार्थी है, स्वार्थी भी नहीं है, कृपण है। कृपण का मतलब क्या था? कृपण का मतलब भी क्या होता है? लालची ही होता है या कंजूस होता है। दान करने का विपरीतार्थ क्या है, यानी इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम क्या होगा? दान करना, दान करना सौंप देना, ये इसके सेम हो गया। दान करना यानी बांट देना किसी को, ये भी इसके सेम हो गया। खर्च करना इससे बिल्कुल अलग हो गया, यानी ये इसका दान करना के विपरीत या समानार्थक से कोई लेना देना नहीं है। ये दो लगभग इसके सेम सेम हो गए, ये अलग हो गया। और दान का अपोजिट क्या होगा? दान में हम किसी को देते हैं, दान में क्या करते हैं? देते हैं। तो देना का उल्टा क्या हो जाएगा? लेना हो जाएगा। देने का उल्टा क्या हो जाएगा? लेना। तो इसका आंसर आएगा बी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको लगातार हमारी वीडियो मिलते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।